गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम वर्क बुक का चैप्टर नंबर 23 करेंगे। तो आप सभी लोग शार्पनर इरेजर वगैरह लेकर बैठिएगा, ओके। तो ये जो ब्यूटीफुल क्लॉथ्स वाला चैप्टर है, इसमें हमने बहुत सारे क्लॉथ्स के बारे में पढ़ा, डिज़ाइन के बारे में पढ़ा, टेक्सचर के बारे में पढ़ा, ओके। तो डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स हैं, हमने और भी कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो चलिए इसको फिल करते हैं, चूज द करेक्ट आंसर्स देखते हैं। फ्रॉम विच प्लांट डू वी गेट कॉटन, कॉटन हमें किससे मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ओके। इन व्हाट इज कॉटन स्टोर्ड ऑन अ कॉटन प्लांट, देखो जो कॉटन होती है वो कहाँ स्टोर्ड होता है, लीव्स पॉड फ्लावर्स में, कहाँ होती है, फ्लावर्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। With what are warm cloths made? Made जो warm cloth होता है जो हम winter में पहनते हैं, वो किससे बने होते हैं, बूल के बने होते हैं। What is done for making designs on साड़ीज, साड़ीज पे क्या किया जाता है, डिज़ाइन, drawing, coloring, printing, weaving। डिज़ाइन के लिए क्या की जाती है, weaving भी होती है, printing भी होती है, ओके। तो हम डी वाला भरेंगे क्योंकि वीविंग ज़्यादा जरूरी है उसमें, ठीक है। विच क्लॉथ डू बी प्रेफर बियरिंग इन समर, समर में हम पहनते हैं कॉटन क्लॉथ्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रॉम व्हाट इज द रेनकोट बॉर्न ड्यूरिंग मॉनसून मेड ऑफ, रेनकोट किसका बना होता है, फ्रॉम प्लास्टिक और नायलॉन, तो हम लगाएंगे डी, नायलॉन का बना होता है रेनकोट, ओके। किसका बना होता है, नायलॉन का। What has been done on dupatta to make it beautiful? Embroidery की जाती है, उस पर कढ़ाई बुनाई की जाती है उसको beautiful बनाने के लिए। Which of the following has to be stitched to be worn? क्या किया जाता है बनाने के लिए, लहंगा, लुंगी को नहीं करते, साड़ी को नहीं करते, स्ट्रेचर धोती को नहीं करते, हम लहंगा को करते हैं। नहीं, सिलाई लहंगा की होती है, इनकी सिलाई नहीं होती है, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा फिलिंदी ब्लैंक्स। The highest amount of cotton is grown in dash area of Gujarat. तो सबसे ज़्यादा जो cotton grow किया जाता है गुजरात में, वो कहाँ पर किया जाता है आपका, सोचिए। तो जो The highest amount of cotton is grown in dash area of Gujarat. तो जो सौराष्ट्र वाला एरिया है, आप लिख सकते हैं सौराष्ट्र, सौराष्ट्र वाला जो एरिया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, कॉटन प्रोड्यूस। सैक्स यूज टू फिल ग्रेन आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक, नहीं जूट लिखिए, किसके बने होते हैं, जूट के बने होते हैं। टू टेक केयर ऑफ अवर स्किन इट इज बेनिफिशियल टू बी अ डैश क्लॉथ, हमें पहनना चाहिए कॉटन क्लॉथ्स, कौन से क्लॉथ पहनना चाहिए, कॉटन क्लॉथ्स पहनना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज हमारी जो स्किन होगी वो डैमेज हो जाएगी। In ancient times, a dash was used to spin yarn from cotton. किसका यूज़ किया जाता था dash time पे, needle. In dash time, dash was used to spin yarn from चरखा या तकली। The dash sarees of Jamnagar are famous in Gujarat. तो जो जामनगर की कौन सी साड़ी फेमस है, देखिए एक तो गुजरात की है पटोला, ये पाटन की है, तो आप पटोला लिख लीजिए, वो ज़्यादा फेमस है। अब हम करेंगे आपका क्वेश्चन आंसर, सॉरी राइट और रॉन्ग, ट्रू फॉल्स। ऑल टाइप्स ऑफ क्लॉथ आर प्रोड्यूस फ्रॉम कॉटन, फॉल्स है। अब सिल्क क्लॉथ सिल्क का बनेगा, बूल क्लॉथ बूलन का बनेगा, ठीक है ना। हम फिल करेंगे अब पेज नंबर 192 पे। वी यूज अम्ब्रेलाज ड्यूरिंग मॉनसून फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन, ये सही है। क्लॉथ नोन एज टर्बन इज बॉर्न ऑन द हेड, यस, टर्बन सर पर पहनी जाती है। सॉक्स एंड हैंडकरचीफ्स आर मेड फ्रॉम क्लॉथ,
यस, रेन कोट्स आर मेड फ्रॉम कॉटन क्लॉथ, फॉल्स है, नायलॉन का बना होता है। द सारी और मदर बियर इज प्रोड्यूस ओनली बाय मैनुअल वीविंग, नो, हैंड मशीन का भी यूज कर सकते हैं, हैंड का भी यूज कर सकते हो। वूल इज अ एनिमल प्रोडक्ट, यस, वूल हमें सीप से मिलती है। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर एंड क्लॉथ इज मेड फ्रॉम यार्न, ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं क्या, मैच द कॉलम्स। कॉटन क्लॉथ्स, स्वेटर, शॉल, कॉटन, यस, पैंट, डी आ जाएगा कॉटन क्लॉथ का। रेनकोट, कोट बॉर्न फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन, इसका सी आ जाएगा इसमें। वूलन क्लॉथ, स्वेटर और शॉल, ये आ जाएगा। बंधावनी, बंधानी, ये क्या है, यह है अ टाइप ऑफ कलर ऑफ फुल साड़ी, तो इसका आ जाएगा बी, इसमें आ जाएगा बी। आप इसमें बंधानी भी लिख सकते हैं, पटोला, गुजरात की कुछ जो साड़ियां हैं फेमस हैं, इसमें एक पटोला भी है और एक बंधानी। ओके, बंधानी आप लिख लेना, पटोला की पी ए टी ओ एल ए, बंधानी की बी ए एन डी एच ए एन आई। क्वेश्चन आंसर देखते हैं, देखिए, व्हाट इज नेसेसरी टू मेक कॉटन क्लॉथ, वी नीड कॉटन टू मेक कॉटन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, कॉटन की, किसकी ज़रूरत पड़ती है, कॉटन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट, विच क्रॉप ग्रोज इन एम्बुडेंस एट प्लेस वेयर कॉटन इंडस्ट्री इज डेवलप्ड, आप लिख दीजिए सिंपल सा कॉटन क्रॉप, कौन सी क्रॉप प्रोडक्शन किए जाते हैं वहाँ पे, कॉटन क्रॉप। इन विच इंडियन सिटीज हैज कॉटन इंडस्ट्री डेवलप्ड, मोस्ट ऑफ द सिटीज ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, ओके, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एटसेट्रा, इनमें बहुत ज़्यादा क्या है, आपकी कॉटन इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं। फ्रॉम वॉट आर वूलन क्लॉथ्स मेड्स, मेड्स ऑफ, तो वूलन क्लॉथ्स आप लिख सकते हैं, वूलन क्लॉथ्स किससे मिलकर बने होते हैं, वूलन क्लॉथ्स मेड फ्रॉम वूल, किसके बनते हैं, वूल के बनते हैं, ठीक है। Which things are made from jute fiber? Jute fiber से क्या क्या बनता है वो हमें बताना है। तो jute से आपने देखे होंगे duster, dusters, ropes, broomstick, एटसेट्रा, ये सारी चीजें बनती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है, हाउ वॉज सजदा दुपट्टा मेड ऑफ, आप लिख सकते हैं साजिदा, साजिदा दुपट्टा इज मेड अप ऑफ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी,
किसका बना हुआ था? ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी थी उस पे, ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी एंड ग्लासेस, और उस पर क्या लगे हुए थे? कांच लगे हुए थे, ठीक है। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर क्लॉथ इंडस्ट्री इन गुजरात? अहमदाबाद एंड सूरत, अहमदाबाद सूरत पाटन जामनगर, ओके अहमदाबाद जामनगर सूरत पाटन। विच क्लोथ डू यू लाइक टू बियर? तो यहाँ पे आप अपनी चॉइस के लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं आई लाइक टू बियर कॉटन क्लॉथ्स, और सभी को कॉटन क्लॉथ्स ही पहनने चाहिए, ठीक है। वॉट टाइप ऑफ क्लॉथ डू मैन एंड वुमेन अराउंड यू बियर? आप देख सकते आपके आस पास मैन और वुमेन कौन से क्लॉथ्स पहनती हैं, वो आपको लिखना है। तो आप सिंपल से लिख सकते हैं यहाँ पे मैन वोर शर्ट पैंट्स लुंगी एंड टी शर्ट, ओके क्या पहनते? टी शर्ट। और आप लिख सकते हैं वुमेन बोर साड़ी पहनती हैं, चोली घाघरा ओके ये सारी चीज़ें पहनते हैं आप। और भी अपनी तरफ से जो भी आपने देखा हो आप अपनी तरफ से इसमें ऐड कर सकते हैं। स्टेट द ड्रेस बॉर्न माय पीपल ऑफ कच्छ सूरत, कच्छ और जो सौराष्ट्र के लोग हैं वो कौन सी ड्रेस पहनना पसंद करते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। आप लिख सकते हैं द पीपल ऑफ कच्छ एंड सौराष्ट्र बोर टर्बन शर्ट कुर्ता पजामा सारीज चौली एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें पहनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स डू पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट एरियाज बियर? फॉरेस्ट पीपल बोर फॉरेस्ट पीपल बोर फॉरेस्ट पीपल बोर हाफ हाफ स्कर्ट एंड एंड आप लिख सकते हैं और क्या पहनते हैं वो जो आप हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं
wore half skirt and चलिए हाँ एक पास आ गया बस। जो लेडीज होती हैं वो रहती हैं वो घाघरा पहनती हैं घाघरा और हाफ साड़ी, या तो घाघरा पहनेंगे या वो हाफ साड़ी पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं एक एक्टिविटी आपको करने के लिए। मेक प्रिंट विद वेरियस फ्रूट इन द स्क्वायर गिवन बिलो। देखिए यहाँ पे आपको प्रिंट बनाना है, कोई भी पीस लेना, उसको कलर में डिप करना और यहाँ पे करते जाना। ठीक है, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हॉर्स क्वेश्चन आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे। फिशर क्लोथ इंडस्ट्री जो है वो कैसा है, आपके किस पे बेस्ड है, आपकी एग्रो पे, मिस एग्रीकल्चर से उसको। विच सिटी ऑफ गुजरात इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ क्लोथ इंडस्ट्री, वो अहमदाबाद है। विच रीजन ऑफ गुजरात इज फेमस फॉर इट्स कॉटन, चारोता रीजन, कनन रीजन, भाल रीजन, बागद रीजन। ए विच क्रॉप ग्रोज इन एबुंडेंस एट प्लेस वेयर कॉटन इंडस्ट्री इज वेल डेवलप्ड, कॉटन उगाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉथ आर यूजफुल इन विंटर, तो वूलन क्लॉथ जो है विंटर में यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को कर लीजिएगा अच्छे से। ओके, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन इसको कर लीजिएगा कंप्लीट आज ही। ओके, थैंक यू।